अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर एजुकेशन मेल और फीमेल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आज जो पेपर हुआ है, इसके तमाम 100 के 100 सवालात इंशाल्लाह ताला आपको इस चैनल पर मुकम्मल हलशुदा फॉर्म में मिलेंगे। और जोन ऑफ एजुकेशन के थर्ड एडिशन में इंशाल्लाह ताला, जिसमें सिर्फ मॉडल पेपर होंगे, उसमें ये जी जो पेपर आज हुआ है ये उसमें भी इंशाल्लाह ताला मौजूद होगा। तो बिला तख़ीर हम इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। वन बाई वन मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। सर सैयद अहमद ख़ान की किताब जिसमें दिल्ली का जिक्र था, आसार उसनादीद है, खुदा गंजे को नाखन न दे, इसका मतलब कम ज़र्फ़ और कमीने को अख्तियार न मिले, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, अलामा इकबाल का खुतबा अलाहाबाद 1930 में हुआ था, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जनरल टू स्पेसिफिक, ये 2 दफ़ा सवाल आया है, जनरल टू स्पेसिफिक ये डिडक्टिव मेथड होता है, स्टेटमेंट चेंज हुई है सिर्फ, और क्वेश्चन 2 बार आया है, डिडक्टिव मेथड इज़ जनरल टू स्पेसिफिक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्कर्स कॉल्ड ऑफ स्ट्राइक, ये इंग्लिश का क्वेश्चन था जिसमें वर्कर कॉल्ड और आगे ब्लैंक थी, क्लोज था यानी स्पेस थी, और इसमें ऑफ इसका दुरुस्त जवाब है। लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज 63, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 62.8 है अकॉर्डिंग टू नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021-22। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज़ कम्पेयर्ड इन नॉम रेफरेंस टेस्ट, नॉम रेफरेंस टेस्ट में इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस आपस में कंपेयर की जाती है, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में 2 दफ़ा आया है। स्टडिंग लर्नर इन नेचुरल सेटिंग, स्टूडेंट को उनके नेचुरल सेटिंग में जब हम उनको स्टडी करते हैं या उस पर रिसर्च करते हैं तो ये एथनोग्राफिकल रिसर्च होती है, एथनोग्राफी इसका दुरुस्त जवाब था। टीचर सैलरीज आर मेंशन्ड इन नॉन, ये जो टीचर सैलरीज हैं जो रिकरिंग हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ये नॉन डेवलपमेंटल बजट होता है। नोबल प्राइज़ ये किपलिंग को मिला है, मेरे मुझे जो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिली है। करतारपुर साहिब इज़ इन नौरोवाल, ये नौरोवाल डिस्ट्रिक्ट में है। आईक्यू ऑफ टीचर, टीचर का आईक्यू जो है वो 120 होना चाहिए। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ट्रांसजेंडर नन ऑफ दीज इसका जवाब था। मुल्तान में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल ओपन हुआ था और वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने इसको इनागोरेट किया था। ICT इज़ ब्लेंड ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ICT जो है वो कुछ स्टूडेंट जो है वो इसको टेली कम्युनिकेशन भी समझ रहे थे, टेली कम्युनिकेशन वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। करिकुलम एक्सप्रेस, ये पिछले कोई 5 पेपर से मुसलसल ये क्वेश्चन आ रहा है। कल्चर ऑफ सोसाइटी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू लर्निंग प्रोसेस। थ्योरी डिपेंड्स अपॉन टोटल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ लर्नर, लर्नर के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे बिहेवियरिज्म बिलीव करते हैं। उर्दू कंपलसरी किया गया ग्रेड 3 से 12 तक 1959 के कमीशन में। टीचर डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। URL इज़ रिलेटेड टू वेब एड्रेस, RRR इज़ इसका जवाब नन ऑफ देम था। आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, ये जो जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं ये चैनल जो है पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रहा है। मैंने किताब लिखी है जून ऑफ एजुकेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो पेपर आया है इस पेपर का मैक्सिमम पोर्शन मेरी इस किताब से आया है। टोटल 80 जो क्वेश्चन हैं हमारे एजुकेशन के, इन 80 क्वेश्चन में से अल्हम्दुलिल्लाह 71 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेरी इस किताब जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे मौजूद है जून ऑफ एजुकेशन, इसमें से आए हैं। ये सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। अगला वर्जन इंशाल्लाह ताला इसमें टोटल मॉडल पेपर्स होंगे जो करंट PPSC का पैटर्न है, और ये टोटल जो पेपर होंगे मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह 30 से 40 जो है वो मॉडल पेपर 100 मार्क्स के बनाऊंगा। इसमें पहले जो है वो 12 PPSC के पास्ट सॉल्व पेपर भी मौजूद हैं और 10 मॉडल पेपर मेरे अपने बनाए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो पेपर हुआ उसमें बहुत ज़्यादा सारे सवाल मेरे उन मॉडल पेपर से भी आए हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगले जो मेरा एडिशन आएगा थर्ड एडिशन, उसमें सिर्फ जो है वो मैं मॉडल पेपर और बनाऊँगा 40 के करीब इंशाल्लाह ताला, और ये जो बने हुए हैं पहले वाले ये भी इंक्लूड होंगे। टोटल इंशाल्लाह 250 से 300 पेजेस की ये बुक होगी और इंशाल्लाह ताला सारे एरियाज़ को कवर करेगी। तो आप में से जो भी स्टूडेंट मेरी ये बुक लेना चाहता है, जिसने पहले नहीं ली हुई,
तो इंशाल्लाह ताला आप इसको पढ़ेंगे, इसके सब्जेक्टिव पोर्शन, तो आपको वाकई ये फील, इसका डिफरेंस फील होगा। ये अगर आपको ये वाला पेपर जो आप देख रहे हैं ये आपको व्हाट्सएप में चाहिए, या आप जून ऑफ एजुकेशन ऑर्डर करना चाहते हैं, 0332805905, 0332805905 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो अपना मैसेज करके आप ये पेपर भी ले सकते हैं सॉफ्ट फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, और ये बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपके होम एड्रेस पे ये 2 दिन में बुक मिल जाएगी। जो स्टूडेंट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेल स्टूडेंट जिनका जो स्कोर बन रहा है इस वक्त टोटल 65 के करीब, इंशाल्लाह ताला वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। और जिन मेरी बहनों का जो मेरिट है उनका मेरिट अगर बन रहा है 51 से लेकर 53-4 तक, तो इंशाल्लाह ताला मैं, ये मेरा एक्सपेक्टेड मेरिट है, इसमें ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला फीमेल का मेरिट यहीं पे रुकेगा, वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगी, वो इंटरव्यू की तैयारी जारी रखें। और अगर मेरी बुक चाहिए, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 500 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑनलाइन मुझसे क्लासेस ली हैं, जिनको मैंने जून ऑफ एजुकेशन भी उनके होम एड्रेस पर दी है, तो उनके अलावा जिनके पास नहीं है वो इंटरव्यू के लिए हैं, उनका जो मैंने मेरिट बताया है यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि इस मेरी बुक का सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो टीचिंग लर्निंग का, स्पेशली साइकोलॉजिकल और लर्निंग थियरीज़ का, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ का और फिलोसफीज़ का लाजमी देख के पेपर में जाएँ। और पाकिस्तान के जो करंट एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं इस पर भी मेरे एक चैप्टर में काफ़ी सारा पोर्शन मौजूद है, वो भी लाजमी देख के जाएँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, माजरत अगर मैं ये चीज़ें एंड पे देता तो लाजमी बात है कि ये चीज़ें इग्नोर कर दी जाती, तो आप लोगों का टाइम भी मुझे पता है कीमती है। जी लेसन स्टार्ट विद, लेसन जो है वो किस चीज़ से स्टार्ट होता है। हर्बर्ट ने 5 प्रिपरेशन वो जो है स्टेप्स बताए हैं लेसन प्लानिंग के, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, ये 5 उनके लेवल हैं। इसी तरह मॉरिसन की भी अप्रोच है, उनकी भी एक्सप्लोरेशन उनका पहला स्टेप है। तो इन दोनों का जो था ये जो लेसन प्लानिंग के स्टेप्स हैं उनमें बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जज किया जाता है पहले, फिर नया टॉपिक जो है प्रेजेंटेशन यानी नया टॉपिक दूसरे उस पर आता है लेवल पे। तो लेसन जो है वो स्टार्ट होना चाहिए प्रीवियस नॉलेज से। उसके बाद लिबरल आर्ट्स, स्किल्स, साइंस फ्रॉम फंडामेंटल सिविलाइजेशन बुक। अब यहाँ पे बुक की बात हुई है, फंडामेंटल सिविलाइजेशन बुक। अब ये सिविलाइजेशन जो है वो तहजीब वो पुरानी होती है, तो उसके जो है उसकी बुक, तो ये किसकी तरफ इशारा करे, पेरिनियलिज्म की तरफ। इसमें आर्ट्स के लिए चीज़ें शामिल थी लेकिन ये बेसिकली पेरिनियलिज्म का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वाइडली यूज मेथड इन एजुकेशनल रिसर्च, क्वेश्चनेयर से जो है वो ये मेथड है, डाटा कलेक्टिंग टूल है क्वेश्चनेयर। उसके बाद एक गोल्डन गेट, ये सैन फ्रांसिस्को में है, 6,000 मोटरसाइकिल की प्राइस थी, और उसने जो है वो इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस जो है उस मोटर बाइक के ओनर ने 1 साल की इंश्योरेंस कराई, और इंश्योरेंस का रेट 4.5% था, तो इसका प्रीमियम कितना बनता है एनुअल, वो 2700 बनता है। स्टिमुलस इज़ इम्पॉर्टेंट इन क्लासिकल कंडीशनिंग, पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मेरी बुक का, मेरी बुक की जो दूसरी लाइन है वो यही है SDG 4, और मेरी बुक की जो बिल्कुल सेकंड लास्ट जो टॉपिक है वो भी SDG 4 के ऊपर है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ईमेल जो है ये एक वर्बल कम्युनिकेशन है, कुछ स्टूडेंट जो है वो रिटन कम्युनिकेशन कह रहे थे, रिटन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की कोई टाइप नहीं होती, वर्बल और नॉन वर्बल दो होती हैं। चाइल्ड रिप्रोड्यूस एन एक्शन इज़ चाइल्ड, बच्चा जो है किस एक्शन को कहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है, तो वो इमिटेशन करता है, इमिटेशन में बेसिकली जो उसने सीखा होता है उसको रिप्रोड्यूस करता है। वैक्सीन जो दी जाती है फर्स्ट 15 मंथ में पाकिस्तानी बेबीज़ को, इसको EPI कहा जाता है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। उसके बाद कम्बिनेशन जो है वो था एंडरसन, एंडरसन ने 2001 में कग्निटिव डोमेन को रिवाइज़ किया था, तो ये इनका जो है वो मॉडल था, कॉग्निटिव डोमेन मॉडल। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका जो है आंसर था x की पावर 20 इज इक्वल टू x की पावर 15। स्टूडेंट इन्वॉल्व इन मेंटल प्रोसेस हैविंग एंटिसिपेटेड कंक्लूजन, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। न्यूक्लियर पावर जो है वो 2017 तक 9 थी, अब भी 9 है। गोल ऑफ टीचिंग, टीचिंग का गोल चेंज इन बिहेवियर होता है। सिमेट्रिकल कर्व, ये मेरे हिसाब से जो है वर्टिकल एक्सेस में ये नॉर्मल कर्व होता है, क्योंकि सिमेट्री उसको कहते हैं जिसकी राइट और लेफ्ट दोनों जो टेल्स हैं आपके कर्व की वो बिल्कुल आइडेंटिकल हों, सेम हों, तो ये नॉर्मल कर्व होता है। स्टूडेंट इनरोलमेंट 6 to 10 ईयर डिवाइडेड बाई स्कूल एज पॉपुलेशन फॉर दैट एज,
ये क्रॉस इनरोलमेंट रेट है मेरे अकॉर्डिंग। देवबंद ने साइंस को इग्नोर किया था। क्वांटिटेटिव डाटा, ये जो मुझे कंप्यूटर के स्टूडेंट ने बताया है वो एन वीवो है, उनके नज़दीक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन कराची। एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड एजुकर। गोल ऑफ इस्लामिक एजुकेशन इज़ अल्लाह ताला की जो खुशनुदी है उसको उसका हुसूल, ये पहला गोल है। अगर आप अरिस्टोटल की डेफिनेशन देखें, इमाम गज़ाली की, इब्न खलदून की, शाह वलीउल्लाह की, तो आपको इन तीनों डेफिनेशंस में एक ही बात मिलेगी, सब्जेक्शन टू गॉड, सर्विट्यूड टू गॉड एंड ओबीडियंस टू गॉड। तो अल्लाह ताला की जो फरमाबरदारी, ये खुशनूदी है, ये ऑब्जेक्टिव होता है इस्लामिक एजुकेशन का। मिलिट्री कोर्स जो है ये 2015 में 21वीं अमेंडमेंट के तहत 2 साल के लिए इस्टेब्लिश किए थे, क्या गया थे, स्मार्ट। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव से, जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है उनसे रिलेटेड ये स्मार्ट है। जो है वो एक्रोनिम यूज़ होता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। कॉलेज स्टाफ और कॉलेज फैकल्टी, इस पर मैं क्लियर नहीं हूँ इसलिए मैंने इसको डिबेटेबल लिखा है। मेरे हिसाब से ये जो है वो कॉलेज फैकल्टी बन सकता है पॉसिबली, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता इसको। करिकुलम शुड बी चेंज मेरे हिसाब से रिलेटिवली, कि एक जो अब्रप्टली या कंटिन्यूसली हम इसको, वो तो होता ही है, लेकिन इसको हम जो है वो रिलेटिवली करना चाहिए हमें। रिलेटिवली से क्या मुराद है, कि जो जो चीज़ मौजूद है उससे मिलती जुलती, यकदम उसको चेंज नहीं करना चाहिए, उसको जो है उसमें आपस में इंटीग्रेशन होनी चाहिए, कि पहले जो मौजूद है उससे रिलेटेड, उससे मिलती जुलती चीज़ें हम चेंज करें। उसके बाद है कॉमा इज़ यूज्ड फॉर, ये कोई क्वेश्चन था इसके लिए, वर्क डन और आगे कॉमा था और नीचे 3-4 ऑप्शन थे, मुझे ऑप्शन याद नहीं है इसके, इसलिए मैं इसका और इसका जो है मुझे जवाब नहीं पता चल सका। सेलेक्ट ऑल द कंटेंट वी यूज़, सारा जो सेलेक्ट ऑल जो है हम कंट्रोल ए से करते हैं। ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस। मेमोरी इज़ यूज्ड इन प्रोसेसिंग, इसमें सीपीयू यूज़ होता है। करिकुलम ओवरऑल या सेट ऑफ एक्टिविटीज़, ऑल एक्टिविटीज़ को कहा जाता है। नीड एंड एक्सपेक्टेशन आर रिलेटेड टू, नीड और एक्सपेक्टेशन जो हैं वो हमारी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होती हैं, दो तरह की। मेरे हिसाब से जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें एक्सटर्नल इंटरनल था और एफर्ट रिवार्ड था, तो एफर्ट रिवार्ड भी पॉसिबल था, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा जो है वो मुझे लग रहा है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। सोक्रेटिक मेथड इज़ नाउन एज क्वेश्चन आंसर मेथड। माइंड इज़ एवरीथिंग, ये आइडियलिज्म को कॉन्सेप्ट था, फिलोसफिकल बिलीफ है। डाटा सॉर्टिंग इन एक्सेल इज़ डाटा सॉर्ट। एवेल्यूएशन ये जजमेंट होती है। रिलीजियस बिलीफ जो है वो आइडियलिज्म जो है वो स्पिरिचुअलिज्म, फिलोसफी भी है या रिलीजियस भी है। सुपरविजन से 2 क्वेश्चन थे। पर्पज़ ऑफ सुपरविजन इज़ टू हेल्प चाइल्ड टू अंडरस्टैंड बेटर, बच्चे को जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको हेल्प आउट करना, जो है टीचर को हेल्प आउट करना, ये सुपरविजन की पहली जो है वो पहला ऑब्जेक्टिव या पर्पज़ होता है। वाइल सेलेक्टिंग करिकुलम फोकस ऑन रेलिवेंस विद ऑब्जेक्टिव, पहला फोकस हमें ऑब्जेक्टिव पे होना चाहिए, बाकी इसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं, पहले बाकी सारे इसके कंपोनेंट बाद में होंगे। अगर हमारे जो कंटेंट है क्या वो, चूँकि दूसरा कंपोनेंट जो है वो करिकुलम प्रोसेस का, वो ऑब्जेक्टिव के बाद कंटेंट होता है, तो कंटेंट जब भी हम सेलेक्ट करते हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के। सुपरविजन इज़ क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। क्लासरूम प्रैक्टिस प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग रिक्वायर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाहिए। कुछ कहते हैं लीडरशिप स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स नहीं है, इसके लिए आपको कंटिन्यूस रिक्वायर होती है एक चीज़, वो होती है या रिक्वायरमेंट आपको जो होती है वो किस चीज़ की होती है, डेवलपमेंट की यानी ट्रेनिंग की। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है ट्रेनिंग। लर्निंग टू डिमॉन्स्ट्रेट, जो है बच्चे जो सीखते हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इसके लिए कंपिटेंसी जो लर्निंग मॉडल है इसमें बच्चे परफॉर्मेंस दिखाते हैं। लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये एप्लीकेशन होती है। वर्कर्स आर लेजी इन थ्योरी एक्स, मैनर्स आर रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। लिस्ट ऑफ टॉपिक इज सिलेबस। ऐसे टाइप टेस्ट हैविंग लिमिटेड कॉन्टेंट इज रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टेस्ट। हॉरिजेंटल एसोसिएशन इज इंटीग्रेशन। ईच ऑफ अस हैव अ पेन, इसका हैव अ पेन जवाब था। टीचर आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट वर्क, ये पोर्टफोलियो है, बच्चे का वर्क जो है वो कलेक्ट करता है। टीचर कैन इनिशिएट चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ, ये इस एग्जैक्ट मुझे स्टेम नहीं आ रहा, बहरहाल कि टीचर जो है वो चेंजेस को इनिशिएट कर सकता है असेसमेंट के बेस पे। कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये नॉर्म रेफरेंस में किया जाता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। करेक्ट मेथड ऑफ रेफरेंस, ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन रिचर्ड 2007, ये
बल्कि ये आ चुका है, ये इसको आप जो है वो इग्नोर करें, ये सवाल पहले रिपीट हो चुका है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो एंडरसन वाला है। हाइपोथेसिस इज़ प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन, हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, दो वेरिएबल के दरमियान जो प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप होता है उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। फर्स्ट स्टेप रिसर्च में वो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है। थ्री आर रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक्स हैं। आई वेंट स्ट्रेट टू माई फैमिली, ये इसका स्ट्रेट दुरुस्त जवाब था। नॉलेज एंड इट्स वैलिडिटी इज़ रिलेटेड टू एपिस्टेमोलॉजी। टू ब्रेक सम डाउन सम थिंग इन टू इट्स पार्ट्स इज कॉल्ड एनालिसिस। टू मेक न्यू होल इज सिंथेसिस। मैंने अपने स्टूडेंट को, जितने मेरे 500 स्टूडेंट, इनको कल मैंने एक वॉइस नोट किया था, वो सबको याद होगा, और उसमें मैंने ये जितनी चीज़ें आज पेपर में आई हैं मैंने को इन जो बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मैंने कोई 50 से 60 डिफरेंट चीज़ें बताई थी कि इनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पेपर में मेरी कल के जो जो एक्सपेक्टेड मैंने एरियाज़ बताए थे कि इनकी डेफिनेशन लाजमी पूछी जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें 40+ क्वेश्चन उनमें से आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरे सारे स्टूडेंट को जो पढ़ते रहे मेरे पास ऑनलाइन, या मेरी बुक जिन्होंने ली है उन्होंने पढ़ा, अल्लाह ताला उन सबको कामयाब फरमाए, और बाकी सबको भी जिन्होंने मेहनत की है अल्लाह ताला उनको उनकी मेहनत का सिला दें। टू मेक न्यू होल इज सिंथेसिस। मेटा असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और समथिंग दैट अर्ज टू एक्शन इज स्टिमुलस। और IP इज़ इंटरनेट, मैस्लो थीरी हाईएस्ट लेवल, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ये जो है वो 100 मार्क्स का आपका पेपर था। बेस्ट ऑफ लक। मेल का मेरिट 65 से 67, फीमेल का 50 से लेकर 53 तक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। मैं इंशाल्लाह ताला जिस जितना इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है, मैंने ये किताब लिखी है, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला अब मैं इंटरव्यू का सेशन भी यकम से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिन स्टूडेंट का जो मेरिट है वो फॉल कर रहा है, जो रेंज मैंने बताई है इसमें, तो मुझे यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात से कि वो इंशाल्लाह ताला शॉर्ट लिस्ट ज़रूर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। आपको PDF में ये पेपर चाहिए, या फिर आपको ये बुक जो है मेरी जोन ऑफ एजुकेशन चाहिए, तो काइंडली आप जो है ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई मैं नहीं करता, सिर्फ व्हाट्सएप टेक्स्ट का करता हूँ। 0332-80-55-905। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।